मध्य प्रदेश के 15 महीने की उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें अभूतपूर्व ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के विकास, युवाओं को संबल देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए निर्णय लिए। एक राजनीति का जो खराब चेहरा होता है, एक राजनीति का जो निष्कर्ष चेहरा होता है जिसमें लोकतंत्र की हत्या की जाती है, और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की के साथ खिलवाड़ लगातार 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या करके किया है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी हुआ है। बातें और काम दोनों नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग है। एक तरफ देश में रोजगार की बात हुई थी, अर्थव्यवस्था की बात हुई थी, किसानों को संबल देने की बात हुई थी, देश उसके विपरीत हुआ। अद्भुत आर्थिक संक्रमण काल के दौर से देश गुजर रहा है। इसमें कांग्रेस की भूमिका बढ़ जाती है, इसमें आपकी और हमारी भूमिका बढ़ जाती है, इसमें देश को 60 साल 70 साल तक यहां तक लाने में जो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया, अपना समर्पण दिया, अपना सब कुछ दिया, उसके बाद देश जिस स्थिति में है और उससे गर्त में जा रहा है, इसके इसमें कांग्रेस की भूमिका बढ़ जाती है, आप लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। मैं बहुत गौरव से ये बात कहता हूं कि मैंने कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में काम किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो 24 घंटे सिर्फ मध्य प्रदेश के समृद्धि को लेकर कार्य योजना बनाए और काम करे, ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में दिया, अगर 5 साल हमारी सरकार चलती तो मध्य प्रदेश का चेहरा अलग होता। कांग्रेस पार्टी के सारे राज्यों में मध्य प्रदेश के मॉडल को इंप्लीमेंट करते। मैं मानता हूं कि यह दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का भी है। मैं यहां सम्मानित जितने परिवार के लोग हैं जो मंच पे बैठे हैं, उम्र में सबसे छोटों में मेरी गिनती होती है, मैं जितने परिवार के लोग अलग अलग जिलों से जिला अध्यक्ष यहां आए हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगकर एक अनुरोध करना चाहता हूं। कोई संगठन बिना अनुशासन से नहीं चल सकता। कोई विचारधारा जब तक हम अनुशासित होकर अपनी बातों को लोगों तक नहीं लेके जाए, हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि पूरे संभाग से आप लोग आए हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे संगठन के लिए, उस पर हम सबको काम करना चाहिए। मैं मानता हूं आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में नगर पालिका, नगर निगम और स्थानीय स्तर पर चुनाव है, जिसमें हमारी भूमिका सबको साथ लेकर एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को। दीदी बहन जी अनुशासन की बात हो रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं स्थानीय स्तर पर आप सबको और हम सबको ये भावना बननी चाहिए कि कार्यकर्ताओं के चुनाव में नेता अपना समर्पण बता। मैं चूंकि कुछ मेरी उम्र से ज्यादा बातें मैंने की होगी, हाथ जोड़कर फिर से माफी मांगता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री, हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय सचिव और सभी सम्मानित नेताओं के जो मुझसे बड़े उनके चरणों में नमन करता हूँ, जिनके नाम मिले उनसे गले लगकर प्यार करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।